Hi and welcome back. My name is Dr. Mehvish Aftab Khan. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ रिगार्डिंग लेज़र हेयर रिमूवल, मीजोथेरेपी एंड PRP ट्रीटमेंट. आपने वो नहीं देखी तो आप ये चेक कर सकते हैं मेरे ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. और आज मैं डिस्कस करूंगी आपकी ऑल स्किन कंडीशन रिलेटेड टू हैंड हाइजीन. करंट सिनेरियो में जो हमें फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना पड़ता है या सैनिटाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर. हम जो फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते हैं या हैंड सैनिटाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं करंट सिनेरियो में, उससे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि हमारी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है. और जब भी आपकी स्किन ड्राई होती है, ड्राई स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस और अदर स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, लाइक एक्जिमा, डर्माटाइटिस और इन्फेक्शंस. तो इससे कैसे प्रिवेंट करना है ये आज हम डिस्कस करेंगे. कौन से सिम्टम्स हैं या कौन से साइंस ऐसे हैं जिनको आप नोटिस करेंगे जिससे पता चलेगा कि आपकी स्किन रिएक्ट कर रही है टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. इसमें आप ये देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, वाइट फ्लेक्स आपको बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं. जिन लोगों को प्रीवियसली डर्माटाइटिस या एक्जिमा का इशू होता है उनके अंदर फिशर्स और क्रैक्स इवन जो है वो डिवेलप हो जाते हैं हैंड्स के ऊपर. और तीसरा, इरीटेशन, इचिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है. और अगर और ज़्यादा ये कंडीशन वर्स हो जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है. इसमें जो कॉमन प्लेसेस हैं वो हैं जी आपकी वेब स्पेसिस, फिंगर्स की या टोज की वेब स्पेसिस सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपके वो रिंग्स वगैरह आपने पहनी होती हैं, वहाँ पर आपका सोप या सैनिटाइजर्स अक्सर रह जाते हैं, और दूसरी स्किन थिन भी होती है तो फंगल इन्फेक्शन एग्रावेट भी हो सकता है. तो ये आपने प्रिकॉशंस जो लेनी है वो मैं डिस्कस करती हूँ. अब हमने करना क्या है, इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको एक्जिमा या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस डेवलप हो रहा है तो आपने हैंड वॉश करना या सैनिटाइज़र यूज़ करना छोड़ देना है. नहीं, यूज़ करना है आपने. हैंड वॉश भी उसी तरह करने हैं जिस तरह आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है, और हैंड सैनिटाइज़र्स भी यूज़ करने हैं आपने. बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोशिश ये करें कि हैंड सैनिटाइज़र्स कम यूज़ करें अगर आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो. अगर सोप अवेलेबल है तो फ्रीक्वेंटली वॉशिंग इज़ बेटर देन हैंड सैनिटाइज़र्स. हैंड सैनिटाइज़र्स ज़्यादा स्किन को ड्राई करते हैं. नंबर टू, जब भी आप हैंड वॉश करें उसको इमीडिएटली मॉइस्चराइज करें. डोंट कीप द स्किन ड्राई, और इसको टॉवल के साथ या एयर ड्रायर के साथ मत ड्राई करें. ड्राई करने से पहले आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो आपका जो मॉइस्चर है वो ट्रैप हो जाता है स्किन में. नंबर थ्री, मॉइस्चराइज़र के कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ. एक तो आपने फ्रेग्रेंस फ्री लेना है, दूसरा आपने प्रिजर्वेटिव फ्री. जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो ये फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव अगेन एग्रावेट कर सकते हैं आपके एक्जिमा को या ड्राइनेस को एग्रावेट कर देते हैं. और इसका सबसे जो आसान सोल्यूशन है या सिंपल सोल्यूशन है जो मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, वो सिंपल पेट्रोलियम जेली हर घर में अवेलेबल होती है. तो कोई लोशन, अगर कोई मॉइस्चराइज़र आपके पास नहीं है या आप यूज़ नहीं कर रहे तो सिंपल पेट्रोलियम जेली सबसे बेस्ट है. और फ्रिक्वेंटली जितनी दफ़ा भी आप हैंड वॉश करें उतनी दफ़ा मॉइस्चराइज़ करें विद सिंपल पेट्रोलियम जेली, एंड यू विल सी कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो जाएगी. और इन सब मेजर्स के बाद भी अगर आपकी स्किन बेहतर नहीं होती या कोई पस्टूल्स डिवेलप हो जाते हैं, यानी कि पस फिल्ड लीजन्स बन जाते हैं, या कोई मैसरेशन हो रही है, कोई पेनफुल लीजन्स हैं, तो डू कॉन्टैक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल. एंड इन द कमिंग वीडियोज आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट हॉट टॉपिक अबाउट स्किन कलर. सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.